नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामगढ़ में। दोस्तों, प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग के द्वारा फिर से एक न्यू रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशन यहाँ पे जो है जारी हुई है। और दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट जो है रिसेंटली में जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे प्रकाशित हुई है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है भर्ती होने वाली है, सीधी भर्ती है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन भी नहीं ली जा रही है, ना ही जो है आपका यहाँ पे एग्जाम होगी, सीधी भर्ती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल होंगे तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। और दोस्तों, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होंगे उनको पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है अच्छी सैलरी भी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, कौन से कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पर जो है ली जा रही है, कौन से पोस्ट में कितने सारे सीटें यहाँ पर जो है निकाली गई है, तो सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में आगे यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप लाइक कर दें, और वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन होगा उसको भी क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी झारखंड की गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन आती है या फिर किसी भी प्रकार की इंपॉर्टेंट नोटिस आती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। सो दोस्तों, ये जो है इसका एडवर्टाइजमेंट है जो रिसेंटली में यहाँ पे जो है जारी हुई है। दोस्तों, जो जिला नियोजनालय सब मॉडल करियर सेंटर कोडरमा है, इसमें जो है भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है 7 फरवरी 2023 को। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट अगर इस भर्ती कैंप में यहाँ पे शामिल होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है भर्ती निकाली गई है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे देख पा की जो बतलाई गई है, एतद द्वारा सभी बेरोजगार युवक युवतियों को सूचित किया जाता है कि झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के अनुपालन के क्रम में झारखंड राज्य के स्थानीय रोजगार उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र से प्रतिष्ठान संस्थानों में कुल रिक्ति का 75% रोजगार मुहैया कराने से जिला नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर कोडरमा कार्यालय के द्वारा दिनांक 7/2/2023 को जिला नियोजनालय कोडरमा कार्यालय परिसर में पूर्वाहन 10 बजे से अपराहन 4 बजे तक एक दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित प्रतिष्ठानों ने अपनी उपस्थिति की सहमति जताई है, ठीक है। तो दोस्तों, यहां पर जो है जितने भी सारे यहां प्रतिष्ठान हैं, इन सभी में जो है 75% जो है रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से जो है जो जिला नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर कोडरमा है, इसमें 7 फरवरी को जो है भर्ती कैंप का आयोजन किया गया है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे देख पा के जो नेम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे जो दी गई है, जो भी कंपनियाँ यहाँ पे जो है शामिल हो रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट में देख पा के महिंद्रा स्किल्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लिमिटेड जो कि झुमरी तिलैया कोडरमा की है, इसके द्वारा यहाँ पर जो है ट्रेनर की पोस्ट है। इसमें टोटल यहाँ पर जो है 8 सीट है। अप्लाई करने के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी ली जाएगी, होटल मैनेजमेंट यहाँ पे किए होंगे या फिर जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर जो है बीटेक से किए होंगे तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल हैं, ठीक है। दोस्तों, एज की क्राइटेरिया जो है 20 से 35 साल तक यहाँ पे जो है रखी गई है। जो यहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी अगर आप इसमें सेलेक्ट होंगे तो 25,000 तक जो है आपका यहाँ पे वेतनमान दी जा रही है अगर आप इसमें सेलेक्ट होंगे तो। इसमें किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो है आपका एक्सपीरियंस नहीं ली जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी यहाँ पे जॉब है। अगर आप जो है होटल मैनेजमेंट किए होंगे, डिप्लोमा या फिर बीटेक किए होंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट है या फिर एम्प्लॉयर है, जीएस पब्लिक स्कूल जो कि डोमचांस कोडरमा में है, इसी के लिए जो है इसमें PGT एंड TGT ये पोस्ट नेम आपका दी गई है। 2 सीट है इसमें TGT एंड PGT के लिए। MA या फिर MSc अगर किए होंगे, साथ में BEd किए होंगे, तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। उम्र सीमा जो है 30 से 40 साल यहाँ पे जो है रखी गई है। एज पर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे वेतन दी जाएगी। इसमें भी आपका किसी भी प्रकार की जो है एक्सपीरियंस नहीं ली जा रही है, ठीक है। दोस्तों, जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट है, हैंड इन हैंड इंडिया जो कि झुमरी तिलैया कोडरमा की है, इसमें आप देख पा रहे कि जो पोस्ट नेम दी गई है, एजुकेशन कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, हेल्थ कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है एंड असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स की पोस्ट है। दोस्तों, यहाँ पे इन सभी में जो है टोटल 1-1 सीट यहाँ पे जो है निर्धारित की गई है, लेकिन अप्लाई करने के लिए जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर ली जाएगी, तो अगर आप एजुकेशन कोऑर्डिनेटर की पोस्ट में आवेदन देते हैं तो आपकी MA इन सोशल साइंस में यहाँ पर जो है होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हेल्थ कोऑर्डिनेटर के लिए भी जो है आपका MA जो है आपका साइंस में होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में, सोशल साइंस में अगर आप किए होंगे तो। एंड जो असिस्टेंट जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स की पोस्ट है, इसमें भी जो है आपका MA इन सोशल साइंस, MA अगर आप किए होंगे तो ही आप जो है हैंड इन हैंड जो इंडिया झुमरी तिलैया ये
जो आपका इस्टेब्लिशमेंट है इसके लिए जो है आवेदन दे पाएंगे। 20 से 25 हज़ार तक जो है आपको यहाँ पे वेतन मान दी जा रही है अगर आप इसमें सेलेक्ट होंगे तो। 2 साल का यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस ली जा रही है। असिस्टेंट जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स की पोस्ट है इसमें जो है 4 साल का जो है आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस ली जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अच्छी जॉब है, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप बिल्कुल जो है इसकी भर्ती कैंप में जा सकते हैं। 75% जो है स्थानीय जो नियोजन नीति है उसका लाभ भी जो है आपको यहाँ पे मिलने की बतलाई गई है। दोस्तों इस भर्ती कैंप में आपको जाने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार होंगे, जो पूर्व से यहाँ पे किसी भी नियोजनालय में अगर आप निबंधित नहीं हैं, तो सबसे पहले वे अपने जो भी जिला नियोजनालय होगा जो भी आपका नज़दीक है उसमें जाकर सबसे पहले जो है आप निबंधन करा लें, या फिर अगर आप ऑनलाइन मोड पे कराना चाहते हैं तो यहाँ पे देखभाल की जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है इसमें जाकर जो है सबसे पहले आप निबंधन करा लें। देन जो भी आपका यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र होगा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र होगा, उन सभी के छायाप्रति के साथ जो है 2 आपका जो फोटोकॉपी होगा एंड 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, इन सभी के साथ जो है आपको साक्षात्कार यानी कि जो आपका भर्ती कैंप आपका होने वाला है उसी दिन जो है आपका साक्षात्कार वहीं पर ली जाएगी, तो आप जो है उसमें उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। दोस्तों 75% जो है स्थानीय नीति जो कि आपका यहाँ पे लाभ प्राप्त करने हेतु तो आवेदक को स्थानीय आवास प्रमाण पत्र भी जो है आपका यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप स्थानीय नीति का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको आवासीय जो प्रमाण पत्र होता है वो आपको वहाँ पे देनी होगी। वैसे उम्मीदवार जो पूर्व से निबंधित है उन्हें जो है पुनः निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि ये जो रिक्ति है निजी क्षेत्र से संबंधित है। चयन की प्रक्रिया जो है नियोजनालय का किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप जो है बेरोजगार युवक युवती हैं तो आप बिल्कुल जो है इस भर्ती कैंप में जो है शामिल हो सकते हैं। ये जो है आपके लिए सुनहरा अवसर यहाँ पे जो है बतलाई गई है, ठीक है। तो दोस्तों बस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी से जो है शेयर करनी थी। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और अपने साथ अपने जरूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना, और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें।